नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2020 और शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले आपको यह बता दें कि 31,277 भर्ती में ऐसे शिक्षा मित्रों को फिर झटका लगा है जो शिक्षा मित्र रहते हुए स्नातक अपना कंप्लीट किए थे। तो ऐसे शिक्षा मित्रों को हालांकि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन विद्यालय का आवंटन नहीं किया गया है। ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी कर दी और इन शिक्षा मित्रों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों से गुहार लगाई है। बाराबंकी से आए शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा मित्र बन जाने के बाद स्नातक और फिर शिक्षक प्रशिक्षण दैट इज बीएड या बीटीसी उन्होंने पास किया था। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी सरकारी पद पर रहते हुए संस्थागत यानी कि बीए बीएससी या बीकॉम रेगुलर तरीके से करना ये नियमों के विपरीत है। और शिक्षा मित्रों की माने तो उन्होंने विद्यालय और ग्राम शिक्षा समिति से आदेश लेकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था ताकि वे शिक्षक प्रशिक्षण के योग्य हो जाएं बीएड या बीटीसी के। इस दौरान उन्होंने हलफनामा भी भरा कि जिस जिस दिन वह परीक्षा और किसी अन्य पढ़ाई के कारणों से विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं इसके बदले उनको मिलने वाला उस दिन का अनुदान भी कट जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार योग्यता पूरी की है, लेकिन बात यहाँ पर वही है कि अगर सरकारी पद पर आप हैं, रेगुलर आपकी ड्यूटी है, तो आप जो है रेगुलर दूसरा कोर्स कैसे कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे शिक्षा मित्रों को अभी कोई भी विद्यालय निर्गत नहीं किया गया है। मामला आगे बढ़ रहा है, देखते हैं कि क्या होता है और परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा था कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन पर विचार करना जारी रखे, लेकिन सूची को अंतिम रूप न दे। वहीं परिषद शिक्षक तबादलों की नई समय सारणी जो है कल जारी कर चुका है, जिसके बारे में कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है, जिस पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार जी सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद 15 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर 3 नवंबर यानी कि आज की तारीख तय की थी। याचिकाओं में अंतर जिला तबादले के तहत पुरुष व महिला अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया है कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्रावधान है कि एक बार जिस शिक्षक ने स्थानांतरण ले लिया वह दोबारा नहीं ले सकता है। याचिका का कहना था कि यह नियमित स्थानांतरण नहीं है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की डिग्री ये यूपी में भी वैध रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि इस पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनके मतांतर अलग थे। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस राज्य की डिग्री या डिप्लोमा धारक को नियुक्ति देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकती है कि यह अलग और विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की डिग्री है और एनसीटी के निर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं, ये बात नहीं की जा सकती। कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में जम्मू कश्मीर से शिक्षा प्रशिक्षण की डिग्री लेने वाली याची सोनिया की नियुक्ति पर पुनः विचार करने का बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार जी ने सुनवाई की है और याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची ने जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया था, उसे 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 18 अप्रैल 2019 को बागपत में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति भी दे दी गई थी, मगर बाद में 23 मार्च 2020 को उसकी नियुक्ति यह कहते हुए रद्द कर दी गई कि याची ने जम्मू और कश्मीर राज्य से टीचर्स ट्रेनिंग का डिप्लोमा लिया है जो एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है और वहां पर एनसीटी एक्ट लागू नहीं होता है। अधिवक्ता ने पूर्व में भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी और अन्य के मामले में इसी हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि एनसीटी एक्ट उस राज्य में लागू नहीं होता है। एलटी ग्रेड के अभी सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि हिंदी के लिए तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो आयोग में चल रही है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के लिए अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अभी इसकी कोई डेट भी नहीं आई है। तो जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान के जो चयनित हैं उनको
अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कारण वही है क्योंकि हिंदी और समाज विज्ञान के जो रिजल्ट हैं वो काफी देर से भी आए थे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो नियुक्ति तो भाई सबको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य आप लोग बनाए रखिएगा। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना है। आयोग में अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी फाइल तैयार होगी। इसके बाद फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी। निदेशालय की ओर से अभ्यर्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग शुरू होगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। तो समय तो लगना है क्योंकि अभी कई सारी प्रक्रियाएं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सापेक्ष अभी बाकी है। तो 19 से जूनियर और 1 दिसंबर से कक्षा 1 से 5 वाले स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है। तो अभी फिलहाल जो है गाइडलाइंस बनाई जा रही है कि किस प्रकार से बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाए, स्कूलों में किस तरह से बच्चे आएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, मिड डे मील का क्या होगा, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग गाइडलाइन को तैयार कर रहा है। इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार स्कूल जो है वो संचालित होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में अधिकारियों को स्कूलों को खोलने की तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग सोमवार से एक हफ्ते तक माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की स्थिति का परीक्षण करेगा। कितने प्रतिशत अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर सहमति दी और कितने नहीं, इसके परीक्षण के बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शासन के मौखिक निर्देशों के क्रम में स्कूलों में तैयारियां शुरू करा दी गई हैं। और टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको जो है दोनों में, यानी कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही वर्गों में उनको आवेदन करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि जैसे हिंदी हो गया, अगर कोई महिला जो है हिंदी बालक वर्ग में अप्लाई कर रही है तो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं करेगी। एक विषय में केवल एक ही आवेदन आपका आना चाहिए, चाहे बालक वर्ग का हो चाहे बालिका वर्ग का हो, ये महिलाओं के लिए है। और जो पुरुष हैं उनके लिए बस एक ही वर्ग है कि वो अपनी कैटेगरी में ही रहें, हालांकि बशर्ते उन्हें किसी मतलब पुरुष अभ्यर्थियों के बालिका कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। संगीत विषय और नेत्रहीन पुरुष अभ्यर्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो निर्देश में जो दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी महिला संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए और किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगी। महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। एक विषय में एक समय में एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा, ठीक है। तो महिला अभ्यर्थियों को हालांकि दोनों वर्गों में आवेदन करने की छूट है, लेकिन उनको एक विषय में एक ही वर्ग में आवेदन करना होगा। मतलब ये नहीं कि दोनों वर्गों में वो आवेदन कर ले। आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के निवासियों को मिलेगा और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और पूर्व सैनिक और दिव्यांग यदि यूपी के निवासी नहीं है तो उन्हें जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता की ओर से जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता की ओर से जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि उनका जन्म कहां पर हुआ है, वो कहां पर रह रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जन्म अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तभी वो यूपी की निवासी मानी जाएंगी, और अगर अदर स्टेट से हैं तो नहीं माना जाएगा। तो ये चीज है। और दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को कैसे क्रैक करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं, किस प्रकार से आप एक प्रॉपर तैयारी करके इस बार सेल्फ स्टडी करके परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, देखिए इसके लिए जो गाइडेंस है वो अवेलेबल करवा दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो जो कि कल अपलोड हुआ था, इसको लगभग अब तक 10,000 लोग देख चुके हैं बहुत कम समय में, तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अगर आप टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं। आपको एक मास्टर प्लान बताया गया है इसमें कि किस प्रकार से अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत शानदार अंकों के साथ आप परीक्षा को क्रैक करेंगे। और क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है तो सिर्फ एक परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक ला पाते हैं तो बहुत ही बेहतर सैलरी के साथ आपका एक बहुत ही बेस्ट कैरियर होगा। तो वो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दी गई हैं, इसको जरूर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और जितने भी लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर सिलेबस नहीं है तो वो studywithgyanprakash.com पर चले आएं, वहां पर उन आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है।
और आपकी तैयारी के लिए दो टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं, एक तो है @ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, दूसरा है TGT PGT 2020। तो ये दो टेलीग्राम चैनल हैं, इससे आप लोग कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियां बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप लोगों के बहुत सारे भ्रम हैं, तो इसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ऐसे प्रश्न रखते हैं जो कि बहुत ही अप्रासंगिक होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाए कि आपका जो प्रश्न है वो सही है, उसके बाद पूछें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप हमको दिख रहे हैं, तो किस ग्रुप में कनेक्ट हो, तो TGT PGT के लिए जो लोगो है फ्रेंड्स वो इस प्रकार का दिखेगा, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो लोगो है वो इस प्रकार से दिखेगा। तो ये लोगो आप पहचान लीजिए, और @TGT PGT 2000 लिखकर सर्च करेंगे तो 2020 लिखकर सर्च करेंगे तो ये मिलेगा आपको चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना है। और @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिलेगा, इसको भी आपको ज्वाइन करना है। फिलहाल फ्रेंड्स बात करेंगे अब जीव विज्ञान के बारे में कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में 2020 में वैकेंसी तो आ गई, लेकिन जीव विज्ञान के लिए कोई भी पद नहीं है। हालांकि आश्वासन मिला है कि 5 नवंबर तक इस पर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन यहां पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से समाजवादी पार्टी के स्नातक MLC प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मिला। इसमें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती में जीव विज्ञान को विज्ञान विषय में शामिल कर युवकों को रोजगार देने की मांग ज्ञापन द्वारा की गई है। डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि यूपी बोर्ड के विज्ञान के पाठ्यक्रम में 40% भाग जीव विज्ञान का है और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जीव विज्ञान महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अधीन राजकीय इंटर कॉलेजों में जीव विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती की जाती है। तर्क दिया कि भौतिकी रसायन और गणित के साथ स्नातक करने वाले विज्ञान में शामिल होंगे तो जीव विज्ञान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। एक बात और भी है कि जीव विज्ञान को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले तो पढ़ा नहीं पाएंगे, और उसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बायोलॉजी में पढ़ा नहीं सकते, तो ये भर्ती होनी चाहिए थी, फिलहाल क्यों नहीं हुई इस पर विचार हो रहा है। 5 तक वेट कीजिए, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज जरूर आएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी चल रही है। परिषदी स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड चंद्रमा यादव समेत अन्य के खिलाफ अब गैंगस्टर का मुकदमा कायम होगा। पुलिस का कहना है कि गिरोह का गैंग चार्ट तैयार हो गया है। गैंग में धूमंगन निवासी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, भदोही का मायापति दुबे और प्रतापगढ़ का दुर्गेश पटेल और प्रयागराज के अरविंद पटेल, सत्यम, शैलेश, शिवदीप और संदीप का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसके बाद इन अभियुक्तों की चल अचल संपत्ति के बारे में भी पता लगाया जाएगा। उन संपत्ति के अवैध होने पर पता चलने पर कार्रवाई होगी, और ये सारी जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि गलत काम करने और एक मेहनतकश अभ्यर्थी का छात्र जो है उसका जो भविष्य बर्बाद करने पर क्या परिणाम हो सकता है, ये नजीर बननी चाहिए। दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी अभी उस टाइम पहले सूचना आपको मिली होगी कि लगभग 4000 से 4500 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन भर्ती कब होगी इसके बारे में अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये तो अभी बहुत क्लियर कट पता नहीं चला है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नए वर्ष में आपको जूनियर भर्ती का नोटिफिकेशन भी मिल सकता है अगर बहुत लेट हुआ तो, नहीं तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी मिल सकती है जूनियर हाई स्कूल जो एडेड हैं उनके लिए शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एक पत्र है जो कि भेजा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को, और इसमें यह कहा गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के संबंध में आख्या मांगी गई है। ये कहा गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक लिपिकी पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रारूप पर शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात अद्यतन जनपद वार की गई नियुक्तियों की संख्यात्मक संबंधी सूचना का विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। तो उनके लिए ये ईमेल आईडी दी गई है जिस पर उनको सूचना उपलब्ध करवानी है। तो यहाँ पर जो नियुक्तियां हुई हैं, जितने पद खाली हैं, जो 6 नवंबर 2015 के पश्चात नियुक्तियां की गई है, सारी जानकारी मांगी गई है ताकि सही सही पदों की संख्या ज्ञात हो सके, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जा सके। और दोस्तों आज कुछ जनपदों में जहां पर चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव हैं, और इसमें कौन कौन से हैं आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि नौगावा है, सादात जनपद अमरोहा, बुलंदशहर और इसके अलावा फिरोजाबाद और उन्नाव ये, और घाटमपुर उत्तर प्रदेश कानपुर नगर,
देवरिया जनपद देवरिया मालहनी जनपद जौनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में ये नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इन जनपदों में आज अवकाश घोषित किया गया है। और दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। अब चलते थे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 29 अक्टूबर को आयोजित की गई प्रचार भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को आयोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक विज्ञप्ति वायरल हुई जिस पर परीक्षा के आयोजन से जुड़ी विभिन्न तिथियों के संशोधन किया गया है। इस पर एक सदस्य ने कमेंट किया कि आयोग की बैठकों में अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं रहता है तो बाद में उसे बैठक में हुए निर्णयों से अवगत नहीं कराया जाता है। सदस्य का कहना था कि इन संशोधनों के बारे में उन्हें भी सोशल मीडिया पर वायरल विज्ञप्ति से जानकारी मिली, हालांकि विज्ञप्ति पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और संशोधित ही पेन से लिखी गई थी। तो वहीं सोशल मीडिया पर यह बात भी तेजी से वायरल हो रही है कि तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा में OMR सीट खाली छोड़ दी जिसके ताकि बाद में उससे छेड़छाड़ कर रिजल्ट में हेरफेर किया जा सके। तो ये जो पूरा मामला है ये प्राचार्य भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।